नमस्कार दर्शकों, रुतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2024, दिन है शनिवार। विक्रम संवत है 2081, शक संवत है 1946, संवत्सर है कालयुक्त, सूर्यदेव है दक्षिणायन, ऋतु है हेमंत, मास है माघशीर्ष, पक्ष है कृष्ण, तिथि है चतुर्दशी, जो 10:29 AM तक रहेगी, और राहु काल है 9:34 AM से लेकर के 10:52 AM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल। आइए देखें सभी राशियों का क्या हाल है। आइए दर्शकों, देखते हैं मेष राशि वालों का क्या हाल है। मेष राशि वालों का हाल कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर यदि आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखते हैं आज के दिन, तो आप बहुत चिंता में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत गहराई से सोचेंगे और बहुत तेजी से भ्रमित हो सकते हैं यदि आप पॉजिटिव नहीं रहे तो, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे आपके मन में, लेकिन वही थॉट्स अगर पॉजिटिव नहीं रखे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप उलझ के रह जाएंगे। आपको परेशानी ऐसे लगेगी, बहुत बुरा लगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। यही अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वैसा पॉसिबल हो, अच्छा चलो ऐसा करके देखेंगे, अच्छा ऐसा करें तो क्या बुराई है, मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में सोच करके आगे बढ़ने की सोचेंगे। और अगर नेगेटिव आए तो आपको लगेगा नहीं हुआ तो, गड़बड़ हो जाएगा तो, पता नहीं कैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वहम आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा और आप परेशान होकर जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे समझाते हैं अपने आप को, कैसे संभालते हैं अपने आप को, तो उसी हिसाब से आपका दिन जाएगा। कोशिश करें कि अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको समय भी ठीक चलने की वजह से आप व्यस्त भी बहुत अच्छे हैं, धन तो कमा रहे हैं, परिवार के साथ समय भी आप अच्छा बिता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कभी तो थक जाता है व्यक्ति, कभी तो आपको रेस्ट चाहिए होता है, कभी तो आपके अंदर चेंज थोड़ा परिवर्तन चाहिए होता है। तो इसलिए अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप को खुश करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि खुशियाँ अगर रहेंगी, आप खुश कर पाएंगे अपने आप को, तो नेगेटिव कौन सोचता है खुशी के समय? जब आनंदित है व्यक्ति, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, तो वैसे समय नेगेटिव थॉट्स तो आती नहीं है ना। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए अपने आप को पैम्पर करिए, खुश रखिए, सेलिब्रेट करिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव आए थॉट्स और उत्साह के साथ फिर आप दिन बिताने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज भी, कल भी, दो दिन भी ऐसा ही जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप दिन में मौका मिलता है तो दिन में, नहीं तो रात के समय पर अपने परिवार के साथ भी आप समय बिता सकते हैं, बहुत बेहतर, और अपने आप को पैम्पर करके समय का सदुपयोग बहुत ही बेहतर से कर पाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत सारी प्रोडक्टिव थॉट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आएंगे जिसकी वजह से आप अपना काम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करें आज के दिन अपने आप को पीला रंग और सफ़ेद रंग, दो रंग से अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, उत्साहित रखें, जिससे आप बहुत खुश रहें, आनंदित रहें। आए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने थॉट को रख पाएंगे, अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे, अपने नॉलेज को व्यक्त कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को व्यक्त कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से विस्तार कर पाएंगे। तो अगर आप किसी के साथ डील करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, अपने काम के सिलसिले में आप किसी के साथ ट्यून करना चाहते हैं, आप किसी को ट्यून करना चाहते हैं अपने साथ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता दिख रही है लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, उनको इम्प्रेस करने का, उनके साथ डील करने का, उनको अपने साथ जोड़ने का। मतलब ये ऐसा समय दिख रहा है जिसमें पर आपका विस्तार होगा और आपके साथ अच्छे लोगों के साथ जोड़ सकते हैं अपने आप को। तो ऐसा जो ऊर्जा आ रही है, इस ऊर्जा का लाभ लेने के लिए आपको अगर किसी से मिलना था कि लगता था उस व्यक्ति के साथ मेरा काम बहुत बढ़िया हो सकता है, दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या इस व्यक्ति के साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या इस व्यक्ति के साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या आपस में MOU करके चलते हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्रीमेंट कर लेते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं, ये सब करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान करिए और बेहिचक आगे बढ़ने की कोशिश करिए। परमात्मा की ऐसी कृपा दिख रही है कि आप जो कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे और जिस समय कहेंगे, वो सब बहुत अच्छा होगा और आप पाएंगे बाद में कि बहुत अच्छा हो गया है, आज तो बहुत बढ़िया हो गया है, बात बन गई, इस तरह की बात हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग, ऑरेंज रंग, ये सब रंग प्रयोग में लेकर के अपने आप को उत्साहित बनाकर रखें और जो कुछ करना चाहते हैं कर डालिए। आइए दर्शकों, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में काफ़ी निराशा होगी, आप खुद के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानीपूर्वक अपने विचार का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर निराशा से दिख रही है और इस निराशा की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बीमार होने का योग तो चल ही रहा है, ऐसे में आपके सोच भी अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो पाएगा आपको बीमारी से बचा पाना।
इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसी थॉट्स में ना पड़ें, कोशिश करें अपने आप को उत्साहित रखें, अपने आप को पैम्पर करें, अच्छा समय बिताने की कोशिश करें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताइए, लेकिन आप निराश ना हो। तो इस तरह से अगर आप अपने आपको संभाल पाएंगे तभी कुछ उम्मीद की जा सकती है कि आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए कुछ कर पाना अपने आप को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को संभाल लीजिए और अच्छे तरीके से उत्साहित कर लीजिए। कोशिश करिए कि आज के दिन आप रंगों में हरा रंग प्रयोग में अवश्य लें, हरा रंग से आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी, और गुलाबी रंग, ये दोनों रंग का प्रयोग किसी भी तरीके से करें तो आपके लिए अच्छी ऊर्जा मिलेगी जो आपको उत्साहित भी रखेगी और सही तरह से अच्छी भावनाओं के साथ आप जी पाएंगे। कोशिश करें कि आज के दिन महामंत्र का जाप अवश्य करें, महामंत्र का जाप करके ही आप दिन की शुरुआत करें, क्योंकि महामंत्र जो आपको बहुत सुकून देगा, शांति देगा और नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ने देगा। महामंत्र जो नए दर्शक हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए फिर से बता देते हैं, महामंत्र बहुत आसान है, कम से कम एक माला करनी है। अगर आपके पास समय हो तो आप दो माला अवश्य, 116 माला अवश्य कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 108 की एक माला होती है और 16 माला करना आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें 2 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर आप 2 घंटा सुबह सुबह लगा लेते हैं तो सारा दिन बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। जो महामंत्र नहीं जाते उनके लिए फिर से बता देते हैं, महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आसान मंत्र है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, बहुत कठिन नहीं है जिससे आपको परेशानी हो, तो इसलिए आप चिंता मत करिए। आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव बहुत है, लेकिन बस ये है कि आप उसके पहले टास्क टू डू की लिस्ट बना लें, क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट बना लीजिए। महामंत्र जाप करने के बाद आपको इतनी शांति मिलेगी कि हो सकता है आपको कुछ काम करने का मन ही ना करे। तो आप अगर आपको कुछ वाकई कुछ करना नहीं, आप रिटायर्ड हैं, तो आप आराम से आराम कर लीजिए, सुकून से अपना दिन काट लीजिए। लेकिन अगर आपको वाकई कुछ काम करना है तो आप जो टास्क टू डू की लिस्ट अपनी है उसके हिसाब से एक काम करते जाइए और टिक मारते जाइए, शाम तक महसूस होगा कि आप सारा काम कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये है क्वालिटी है इस मंत्र की, जिससे आपका शांति सुकून आ जाता है और स्थिर मन से शांत मन से जब आप कार्य करते हैं तो कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं, ये आपकी इतनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कोशिश करें कि आज के दिन को अपने आप को उत्साहित रखने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को पैम्पर करें, तभी आपका दिन ठीक जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत बढ़िया विल पावर होगी आपकी और बहुत ही उत्साह के साथ अपने कार्य को कर पाएंगे। हालांकि पेमेंट्स के मामले में इश्यूज आ रहे होंगे आपको, लेकिन फिर भी आपके अंदर उत्साह की कमी नहीं दिख रही है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे और सफलता भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी शुभ योग बन रहा है। कोशिश करें कि आज के दिन आप जो भी पेमेंट्स आने वाली हैं उनके लिए बहुत परेशान ना हो और पेमेंट्स 2 तारीख के बाद कोशिश करें कि पेमेंट्स आपको प्राप्त हो जाएं, मतलब उनके लिए एफर्ट्स करें, उसके पहले आप उन्हें दीजिए जो हो रहा है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज मत दीजिएगा जहाँ से पेमेंट आने के चांसेस कम है। पता चला कि उसको उसका काम कर दिया या उसको सामान दे दिया लेकिन पता चला आपको पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्योंकि अभी धन प्राप्ति नहीं होने का योग बन रहा है, तो पेमेंट मिले ही ना और आपने पेमेंट प्रोडक्ट दे दिया या सर्विसेज दे दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए 100% जहाँ श्योरिटी हो वहीं पर आप डील करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से कोशिश करके अपने आप को बेहतर करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि अपने कार्य को करने के लिए जो भी आइडियाज़ अच्छे अच्छे आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको प्रयोग में लाइए। नहीं मन में आया विचार, आया ऐसा कर सकते वैसा कर सकते और किया नहीं, तो सचमुच करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग, सफ़ेद रंग और पीला रंग प्रयोग में लें, गुलाबी रंग ऑरेंज रंग भी आपके लिए उत्साहवर्धक होंगे और ऊर्जावान बना के दिन का सदुपयोग करने में सहायक रहेंगे। आए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में काफ़ी उत्साह रहेगा, काफ़ी खुशी रहेगी और आप अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। आपके मन में कुछ अच्छे तरीके से काम करना जिसमें धर्म का भी इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसमें पवित्रता हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दान पुण्य का काम करना चाहेंगे, कुछ सेवा करना चाहेंगे, या फिर अपने काम में आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आप कुछ भला करना चाहेंगे, कुछ उनका बेहतर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं ऐसा सोचेंगे। इस तरह के बड़े अच्छे विचार के साथ आप अपना काम करना चाहेंगे, काम आपका सफलतापूर्वक आप कर पा रहे हैं ऐसा दिख रहा है, आपको धन की प्राप्ति करने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आपके कार्य में कुछ क्वालिटी, एक तरह से कहा जाए कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वो आपके लिए सही भी रहेगा, आपके लिए अच्छा भी रहेगा और आपको पुण्य अर्जन करने में भी सहायता मिलेगी। इससे आप इतने पुण्यशाली हो जाएंगे कि आगे कभी मुसीबत आती है, तकलीफ होती है, तो आपका वो पुण्य आपको मुसीबत से बचा लेगा। तो इस तरह से आप बहुत बेहतर दिन बिताने की कोशिश करेंगे और बिता पाएंगे भी, ऐसा शुभ योग बन रहा है। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग, हरा रंग, गुलाबी रंग, लाल रंग प्रयोग में लें, रंगों से आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा बढ़ जाएगी और उस ऊर्जा से आप बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और लाभ भी ले पाएंगे।
आइए दर्शकों अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप बहुत बेहतर तरीके से अपने धन की प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से सुकून से अपना जीवन जी सकते हैं और आप अपने कार्य को करने के लिए जो कुछ करेंगे वो बहुत ही बेहतर करेंगे। मतलब आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी और सही तरीके से अपने पर्सनालिटी का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। मतलब क्या होता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो आदतें हैं, वो सब भी आपके बिजनेस के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता चला आपकी हैबिट थी कि सिस्टमेटिकली काम करना, आपकी हैबिट थी कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, आपकी हैबिट थी कि जो चीज़ करते हैं वो कंप्लीट करके छोड़ते हैं, ये सब हैबिट्स हैं। तो ये हैबिट्स आपके जो ये आपके बड़े काम आएंगे। अगर आपकी अच्छी हैबिट्स हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सब आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं, और नहीं है तो अपने आप को सुधार करके बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे जीवन में आपको ये सब बहुत काम आते हैं। और आगे चल करके जब आप बहुत फास्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें आपकी छोटी छोटी हैबिट्स अच्छी हैबिट्स होती हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप कोशिश करें कि आज के दिन सफ़ेद रंग, हरा रंग, पीला रंग प्रयोग में लें। इन रंगों से आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा मिलेगी, इस ऊर्जा से आप बहुत बेहतर तरीके से दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आए दर्शकों अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके व्यवसाय में बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से काम होगा, आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होगा और आपके जो वर्कर्स हैं या आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो सब बहुत ही बेहतर तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से एक टीम वर्क करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। आप महसूस करेंगे कि आप सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहे हैं क्योंकि उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और बुद्धि का सदुपयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छे से काम करके अच्छा डिसीजन ले पा रही है और पेशेंस के साथ चीज़ों को समझ करके क्या करना है बेहतर वो समझ पा रही है और कर भी पा रही है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। बस ये कि क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में विचार करिए बजाय चिंता करने, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आए दर्शकों अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वाले आज के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके श्वेत चंद्र का टीका लगा करके, चंद्र का इत्र लगा करके महामंत्र का जाप कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छा समय जाएगा। आप अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे, आप लाभ ले पाएंगे और अपने सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको बड़ों से सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, जिसकी वजह से आप और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जितना बेहतर तरीके से आप करते हैं उससे भी बेहतर करने का स्कोप बन जाएगा और आप अच्छे तरीके से सफल हो पाएंगे और लाभ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कोशिश करें कि आज के दिन अपने परिवार के साथ भी थोड़ा अच्छा समय बिताएं, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके जीवन में कुछ खुशियां आएंगी जिसे आप सुखी महसूस करेंगे और आनंदित महसूस करेंगे। आइए दर्शकों अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहे। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप अपने आप को संभाल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको धन की प्राप्ति तो हो जाएगी लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें और रिस्की भी रहेगा। कुछ ऐसी गलती हुई, गड़बड़ हुआ तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधान रह के चलने की ज़रूरत है। अपने कार्य को बहुत समझदारी से करें, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आज के दिन आपको दान बिल्कुल नहीं करना है। दान खासतौर पर वस्तु का और धन का, श्रमदान कर सकते हैं, मतलब मेहनत करके सेवा करनी है, किसी के पुण्य कमाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप धन और वस्तु का दान बिल्कुल ना करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करें। आज के दिन के लिए आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर, काला और सफ़ेद रंग बहुत ही सही रहेगा, इससे आप संतुलित तरीके से दिन का सदुपयोग कर पाएंगे और अपने आप को किसी तरह की मुसीबत से बचा भी पाएंगे। आइए दर्शकों आप देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने साझेदारों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिलकर के काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा टीम वर्क हो पाएगा। और अच्छी बात ये दिख रही है कि आपके पार्टनर साझेदार बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील करके, लोगों के साथ मिल करके अपना कार्य का विस्तार कर पाएंगे। मतलब आप अगर चाहते हैं कि अपना एक्सपेंशन करें, कई लोगों के साथ और मिल करके, कई लोगों से मीटिंग रखें, कई लोगों से डिस्कशन करें और अपना काम का विस्तार करें, तो आपके पार्टनर का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा और मिल करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जो भी कार्य करेंगे, जो भी जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी आप डील करेंगे, जिससे भी एग्रीमेंट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सब बेनिफिशियल रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ बात हो गई, आपका काम हो रहा है, माल जा रहा है लेकिन पैसे कुछ आ नहीं रहे हैं, किसी के साथ बात हो गई, टाई अप तो हो गया लेकिन बेनिफिट्स कुछ नहीं आ रहे हैं, बस ये काम हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट्स आएंगे, मॉनेटरी गेन होने के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो इसलिए उत्साहपूर्वक अपने कार्य को करें, कोई चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी जबान से कोई भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बात बहुत बिगड़ सकती है। तो इसलिए इस बात का बस ध्यान रखें, तो बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दिन बहुत ही बेहतरीन जाएगा और आप आनंदपूर्वक दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, ऑरेंज रंग, ये सब रंग प्रयोग में ला करके अपने आप को ऊर्जावान बना कर रखें, जिससे किसी भी कार्य को करने में किसी भी तरह से दिक्कत ना आए, आप ऊर्जा आपकी बहुत बढ़ी रहे।
आइए दर्शकों देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका भाग्य आपको साथ देगा, बहुत अच्छे तरीके से आप कार्य कर पाएंगे, आपकी क्षमता भी बहुत अच्छी दिख रही है, आपके कार्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी काम में कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, थोड़ी सी ऐसी उलझन परेशानी रहेगी जिसमें आप समझ नहीं आएगा आप क्या किया जाए, वो आपकी वजह से नहीं हो रही बल्कि वो कुछ ऐसा पॉलिटिक्स दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, शत्रु का षड्यंत्र दिख रहा है जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उथल पुथल सी दिख रही है, कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप समझें कि कहाँ गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करें, उसको समझें, निरीक्षण करें और देखने के बाद आप समझें कि कैसे ठीक किया सकता है, उस हिसाब से जैसे ठीक किया सकता है आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है और काम खराब भी हो सकता है, तो आपकी सारी मेहनत सारा टैलेंट का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, तो इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि पीला रंग, काला रंग और हरा रंग प्रयोग मिलेंगे तो इन रंगों से काफ़ी अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी और सही तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे और सुधार भी करने में आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आइए दर्शकों अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे, बहुत धार्मिक विचार आएंगे, पवित्र शुभ विचार आएंगे और इस तरह से करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बढ़ भी जाएंगे। अगर आप अच्छे विचार रख रहे हैं तो अच्छे तरह से आपका दिमाग काम कर रहा है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर आप कार्य ठीक कर पाएंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको लाभ भी मिलेगा, आपका नाम भी होगा, आपको खुशी मिलेगी, आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आप साधुत्व प्रवृत्ति के लोग हैं और आप अगर कुछ कार्य ईमानदारी से नहीं कर पाते या कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाते तो आपको गिल्टी की फीलिंग भी आती है, तो इसलिए कोशिश करें कि जो कार्य कर रहे हैं आप उस कार्य को करने में बहुत विशेष तौर पर ध्यान दें जिससे आप अच्छे तरीके से कार्य को कर पाएं और कार्य को करने से जो आपको संतुष्टि होगी, आत्मसंतुष्टि होगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं सही ट्रैक पे हूं। इस तरह से आपको आत्मिक संतुष्टि होगी, खुशी मिलेगी और आपका उत्साह बढ़ेगा और प्रसन्नता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। कोशिश करें कि आज का दिन सफ़ेद रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, लाल रंग और ऑरेंज रंग, ये सब रंग प्रयोग में लाएं, ये सब रंग आपको ऊर्जावान बनाएंगे जिससे आप दिन का सदुपयोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये था दर्शकों आज के दिन का हाल, उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।